चलो भाई चलो, हो गई है शुरू रिकॉर्डिंग। चलो ठीक हो गया। अच्छा नहीं मिनिमाइज कर सकता, नहीं कर सकता भाई। ठीक है चल। हम थे चार। अच्छा नहीं करना। अच्छा जी, ये फिर आप लोगों ने देख लिया जी कि आप उसी चीज को, मैंने पहले आपको एक तरीका बताया जो है सबसे मैनुअल तरीका। अगर आपको फंक्शन नहीं समझ आता ना इफ एल्स का, तो आप सिंपल ये वाली चीज अप्लाई करें, मैच इंडेक्स का फंक्शन लगाएं और आप उस चीज को उठा के लें। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप ये नेस्टेड इफ का फंक्शन सीखें। मैं पिछले 20 साल से ये नेस्टेड इफ का फंक्शन लगा रहा हूं और इसकी वजह से मैं ऐसी ऐसी कंडीशंस अप्लाई करता हूं कि जो आप सोच नहीं सकते। तो आपको ये लॉजिक आना जरूरी है। कंडीशंस आपको किसी भी लैंग्वेज में इसी तरह लगेंगी। आपको लॉजिक बनाना इंपॉर्टेंट है कि मैं चाहता क्या। बाकी जो भी टूल यूज करेंगे उस टूल में फार्मूला लगाया जा सकता है। और तीसरी चीज आपने देखी है जी, हमने क्या किया सिंपल, हमने पावर क्यूरी में जाके एक कंडीशनल कॉलम ऐड करके उस इसी कंडीशनल कॉलम को ये कंडीशंस लगाई हैं जो हमने वहां लगाई। ठीक हो गया जी। चले जी, अब मैं इसको करता हूं बंद। तो अब कौन ऐसा, मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि मैं बंदे देख सकूँ। अब कौन ऐसा जो पहलवान है जो आज के लेक्चर की समरी रिपीट करेगा कि एक्चुअली हमने डेटा सेट को किस किस तरह से, किस किस डेटा सेट को हमने छेड़ा है और उसको कोई स्टेप्स अप्लाई किए। कोई ऐसा बंदा जो, क्योंकि ये उसके लिए भी एक एक्सरसाइज होगी और बाकी सबके लिए भी एक एक्सरसाइज होगी। जी, पहले तो मेरे साथ जो दो बैठे हैं ना, इन दो शिक्रों को काबू करें। ये जो चुप करके बैठे रहे हैं, चलो इन्हें बोलो आज का लेक्चर नहीं रिपीट चलो जी करें। बोलो, हम तुसी आओ बोलो तो और पैसे किस तरह, दिते पहले जाए। स्टार्ट से कैसे शुरू किया है, स्टार्ट कहाँ से किया, फ्लैश से शुरू किया, ऊपर शुरू हुआ। समरी बता दो, हमने कौन कौन से फंक्शंस पे काम किया आज। नहीं हाँ सर, हमारे टीचर यहाँ पे आते नहीं, सर जी मैं बताऊं। चलो बताओ। चलो जी, मैं सब आपके बंदे अभी ढीले हैं तो आप दूसरे बंदे को चाहो। नहीं, डिले नहीं सर, इसके बाद बता देते हैं, चले चलो अभी सुन के बताओ ही फिर। बता रहा ना, नहीं फायदा नहीं है। बताओ सर। सबसे पहले हमने चलो स्टार्ट यार, किया इयर्स से, हमने सॉर्टिंग स्टार्ट की थी। सबसे जो थी इयर्स थे सब जो अलग अलग थे, ठीक है। उसके बाद हमने उनके ऊपर सॉर्टिंग की थी, सारे इयर्स को अरेंज किया। फिर हमने जेनरे यानी कि जो एक्शन हॉरर थ्रिलर थे, जेनरे थे, उनको अरेंज किया। सबको, सबके टेबल्स अलग अलग बनाए, ठीक है। उसके ऊपर हमने वो जो आपने एक फॉर्मूला लगाया था फिल वाला, ठीक है, उसके थ्रू जो है सबको सेपरेटली फ्लैश अलग अलग किया, याद फ्लैश रखो, फ्लैश फिल। फिल को जी, फ्लैश फिल वाला, ठीक है। उसके बाद आपने रेटिंग रेटिंग को किया फॉर्मूला लगा के, इफ के फॉर्मूले से किया, एंड के फॉर्मूले से किया। 1 से 3 तक के जो थे वो सेपरेट किए, फिर 3 to 6 के सेपरेट किए और 6 to 10 के सेपरेट किए। आपने जो है सेपरेटली भी हमें गाइड किया था कि इफ से लगा सकते हैं, फिर आपने इफ और एंड के फॉर्मूले से किया, फिर वो जो आपने पावर क्वेरी के थ्रू किया वो थोड़ा सा मुझे वैसे समझ नहीं आई, मुझे वो दूसरा ज्यादा इजी लगा था जो आपने ए के फॉर्मूले से 1 to 10 का कर लिया था, वो मुझे ज्यादा इजी लगा था। और उसके बाद सर अभी मुझे बस इतनी समझ आई है वैसे। नहीं, ये हम आपने 90% ठीक बताया, एक चीज मिस किया। कोई बता सकते हैं एक चीज क्या मिस हुई है। सर जो फंक्शंस की बात है तो वो तो ओवरऑल फ्लैश फिल से शुरू हुआ था हमारा, फिर टेक्स्ट टू कॉलम यूज किया था, फिर क्लीन का फंक्शन यूज किया था, फिर यस, ट्रिमिंग का आपने बताया था। हाँ एक क्लीन और एक ट्रिम, नरमी ने ये मिस किया था। और
फिर आपने मैच का फंक्शन इस्तेमाल किया था जिसमें आप एड्रेस करते हैं डेटा को। हाँ नरमीन ने ये मैच वाला फंक्शन भी मिस किया था। अच्छा जी, और मैच इंडेक्स यूज किया था। फिर इंडेक्स लगाया था और हाँ फिर इंडेक्स लगाया था, फिर उसके बाद आपने इफ के थ्रू बताया था और फिर इफ एंड लगा के किया था कि हम सारों को एक ही फॉर्मूला में यूटिलाइज कर लें, फिर उसके बाद आप पावर क्वेरी पे आ गए थे। बिल्कुल बेहतरीन हो गया। अब सब बंदों को ये रिपीट मतलब समझ आ गई है, बाकी आप लेक्चर वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो आज लेक्चर है ना ये डेटा क्लीनिंग और डेटा माइनिंग का पहला स्टेप है। अगर आप लोग ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे ना, मैंने पिछला लेक्चर भी मतलब ये प्रैक्टिस के लिए दिया था और अगला भी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी पूरी डाटा साइंस की जो 80% वर्किंग है ना, 80% मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला लेक्चर याद कीजिएगा, 80% डाटे को ठीक करना है। बाकी डैशबोर्ड तो आपने देखा था, ड्रैग एंड ड्रॉप ही था सिर्फ, और कुछ भी नहीं था, ऐसे ही जी जी ऐसे ही ऐसे ही। तो अब आप लोगों की दो असाइनमेंट्स हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है नेक्स्ट ट्यूसडे तो ईद होगी, तो आपके पास 2 वीक्स हैं, तो आप नेक्स्ट ट्यूसडे तो हम ऑफ होंगे, तो उससे नेक्स्ट ट्यूसडे हम छठा लेक्चर कर रहे होंगे, तो आपके पास 2 वीक्स हैं। तो अब आप लोगों की 2 असाइनमेंट्स हैं। एक असाइनमेंट क्या है, अब मैं स्क्रीन शेयर करने लगा। पहली असाइनमेंट ये है जनाब कि यही मूवीज के डाटे का डैशबोर्ड चाहिए, बन जाएगा? ठीक है। एक जवाब आया, बाकी लोग जी मैम बन जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बन जाएगा। अब सारे लोग मूवीज डाटा का डैशबोर्ड दिखाएंगे, मुनीरा ने जो चीजें बनाई है। अब आपके पास फ्लैश फिल का फंक्शन है, इफ का फंक्शन है, मैच का फंक्शन है, ट्रिम का फंक्शन है, क्लीन का फंक्शन है, इंडेक्स का फंक्शन है, पावर क्यूरी है, इफ एंड है, ये सारा कुछ आपके पास मौजूद है। जरूरी नहीं है जो मुनीरा ने डैशबोर्ड बनाया आप उतने फीचर्स बनाए, आप मुख्तलिफ, अभी मैंने सिर्फ रेटिंग को और जेनर को मैंने चला के दिखाया है। अभी आपके पास ये देखिए, ये वोटिंग की कैटेगरीज आपने बनानी है, रन टाइम की कैटेगरी बनानी है और ग्रॉस रेवेन्यू की कैटेगरी बनानी। अब ये तीनों कॉलम्स की कैटेगरीज आप आसानी से बना सकते हैं किसी भी स्टेप को फॉलो करके। अब आप सर ये जो ग्रॉस वाला कॉलम है ये तो मेजॉरिटी मतलब स्टार्ट में खाली ही है, तो इनका क्या करेंगे? इसका ये देखो ना, इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करके वही स्टेप्स करोगे जो मैंने किया था, डेटे को सॉर्ट कराओगे क्रॉस के हिसाब से। अच्छा स्मॉलेस्ट टू, हाँ ठीक है ठीक है, A to Z करा लो तो वो टॉप पे आ जाएंगे, ब्लैंक सारे नीचे चले जाएंगे। ठीक है ठीक। अब आपके पास चैलेंज क्या आएगा, इसमें मिलियन लिखा हुआ। हाँ जी। अब आपने पहले इसमें मिलियन को एम को लैदा करना होगा, डॉलर को खत्म करना होगा, फिर एक नंबर बनेगा, उस नंबर की फिर आप कैटेगरी बनाएंगे। समझ आ रही है? ठीक होगा ठीक है। और आप इसमें आप डाटा थोड़ा नहीं है, इसमें कम से कम 462 रोज के अंदर आपको उसका रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसकी कैटेगरी बना सकते हैं 0 से 15 मिलियन, 15 से 50 मिलियन। वो अब आपने सोचना है कि किस कैटेगरी में मुझे दिखाना चाहिए, आपको नंबर्स खुद देखने हैं। तो अब आपकी पहली असाइनमेंट क्या है जी, कि मूवीज डेटा सेट का एक डैशबोर्ड बनाना है और मुझे हेल्प चाहिए वारी वारी सबसे, मैंने बोल लू जरा हेल्प चाहिए, क्योंकि आज कोई डैशबोर्ड नहीं आया सिवाय एक के मूवीज के ऊपर। जुल्फकार साहब, अच्छा जुल्फकार साहब ने कहा था मुझे अभी आप उस पर ना लगाए डाटा स्टूडियो पे, मैं अभी एक्सेल ही पे काम कर लूंगा। तो जुल्फकार साहब आज फिर इसकी क्लिनजिंग ही कर लीजिएगा। ठीक है जी जी सर, मैं ये डैशबोर्ड भी बना लूंगा, वो जरूरी नहीं है डेटा स्टूडियो पे बनाया जाए, एक्सेल पे भी बन सकते हैं। हाँ जी एक्सेल पे बना लें सर, जैसे आपको बेहतर लगता है। ठीक है, सर मेरा एक सवाल है, जहाँ पे हम ये डैशबोर्ड बना रहे हैं तो उसके ऊपर हमारी एक वो वॉक थ्रू हुआ था कि हम उसके ऊपर अगर किसी एक आइटम पे भी क्लिक कर रहे थे तो वो भी पॉपअप में आ रहा था, यानी लेयरिंग आ रही थी उस पर डेटा की, तो वो हम नेक्स्ट में करेंगे।
हम आगे दो लेक्चर करेंगे, छठा और सातवां बोनस लेक्चर, उसमें आपको मैं एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा, जिसमें अभी एक चीज रहती है, अभी हमने सिंपल सिंपल पहला स्टेप लिया जिसमें हमने कुछ कैलकुलेशंस किए, जिसमें बिल्कुल ठीक है, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशंस करनी होती है ना, जिसमें कोई प्रॉफिट निकालना है, हमने लॉस निकालना है, हमने कोई एवरेज निकालनी है, जिसमें मौजूद नहीं है, तो वो वाला हम लास्ट पे एक बड़ा ही टेक्निकल सा डैशबोर्ड बनाएंगे, ताकि फिर हम क्लोजिंग उस पे करें, ताकि वो आपके लिए एक वो पॉइंट हो, ताकि जब आपने उस पे अगली दफा पे करना है ना, अगला जब कोर्स स्टार्ट होगा तो आप लोगों को पता होगा यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, अब हमने आगे जाना है, तो वहां तक आप लोग कोर्स टू में पहुंच जाए, ठीक है, ठीक ठीक हो गया जी। अब उमेर जी सर, अब आप तीनों बंदे अलग अलग डैशबोर्ड बनाओगे, एक की नकल नहीं मारनी, मैं फिर बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है सर, मैं आपकी इस बात से बहुत खुश हूँ। उसकी वजह ये है कि आपने पैसे खर्चे हैं और रातों को जाग रहे हो, और उसके बाद भी अगर एंड रिजल्ट ये हो कि आप जाओ और फिर कहो जी दोबारा वीडियो देखूंगा फिर मैं बना सकता हूँ, तो दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आपको मूवीज डैशबोर्ड बना के मेरे से शेयर करना ड्यूरिंग ईद, इंशाल्लाह ठीक होगा तीनों ने। इंशाल्लाह ठीक है। नरमीन आपने भी यही वाला डैशबोर्ड बनाना ठीक है, मूवीज डाटा को यूज करते हो। यस सर ठीक है। तहसीन अब आपने वीडियोस दो तीन दफा देखनी है ताकि आपको पता लग जाए मसले मसाइल का, आपने डैशबोर्ड बनाना है, समझ आई तहसीन? चलो उसको बाद जी हसन, अब आप तो बना लोगे, आपको तो काफी क्लियर हो गए। जी जी सर बन जाएगा, आपके साथ शेयर भी होगा। मिस साइमा आप भी कहीं कोई स्पेयर टाइम निकले ना तो ये बेटा ट्राई। मिस सदीन और मिस मुनीरा आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और अब स्टोरी होती है मजे की। एक असाइनमेंट तो आपको मैंने सारी करके दिखा दी है, तो आप लोग तो बड़े खुश हैं कि लाओ जी ये तो हो जाएगा। कैसा दिया मैंने, स्क्रीन आ रही नजर? जी जी बिल्कुल आ रही। लाओ जी फिर अब मैं आपको लेके जाता हूँ इधर। मैंने आपके लिए ना एक रियल टाइम डाटा निकाला है, रियल टाइम जिंदगी का डाटा, ठहर इसको मैं बंद कर दूं सेव करके, और इसको मैं देख कंट्रोल शिफ्ट एल पी ए के पाक। वाह कैसा लग रहा है, ये शक्ल अच्छी लग रही, बहुत प्यारी लग रही है। बहुत खौफनाक लग रही है सर। बहुत प्यारी लग रही है, जितनी खुशी पिछली अवेयरनेस ओपन तक करने की थी ना, और जो बड़ी खुशी से सवाल किए थे मैंने आपसे अपराम है। तौबा मैंने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बताता हूँ ये डाटा है क्या। मैं वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे गया, मैं वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे गया, मैंने वहां जाके डाटा ढूंढा, ये डाटा है क्या, ये पाकिस्तान के जो हर वक्त सियासत की डिस्कशन हो रही होती है ना इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स के ऊपर के हमारा मुल्क किधर खड़ा है, तो ये देखे ये पूरी दुनिया के जितने कंट्रीज है ना उन सब के इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं। ये पहला कॉलम है, मैं इसको ना खोलता हूँ ताकि थोड़ा नजर आए आपको, ये मुल्कों के नाम है जी, ये कंट्री की एब्रीवेशन है जी, और ये है जी इंडिकेटर। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने क्या करना है सिर्फ पाकिस्तान को बना लें आप, बाकी आप फौद हो जाएंगे, नहीं तो पाकिस्तान को खोलेंगे ना तो 187 इंडिकेटर्स दिए हैं उन्होंने, कौन से इंडिकेटर हैं। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, नीचे कोई देता हूँ जो आपको समझ भी आ जाए। पाकिस्तान ही खोल लेना यहीं से कंट्री, नहीं पाकिस्तान खोल लिया मैं, पेट्रोल आता है, पेट्रोल नहीं आता किसी और नाम से होगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जी, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं इसको खत्म करता हूँ, फिल्टर खत्म करता हूँ, एक इंडिकेटर ले लेते हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं फिर आप। वो कहता है जी नंबर ऑफ डेथ्स 15 से 19 साल की, ये देखें कह
कहता है जी पाकिस्तान में इस इकोनॉमिकल इंडिकेटर जो भी फैक्टर इन्होंने रखा हुआ, इंडिकेटर का नाम है जी नंबर ऑफ डेथ्स, जो 15 से 19 साल की एज में डेथ्स होती है। अब डेटा कितने से शुरू होता है, 1960 से शुरू होके 2050 तक प्रिडिक्ट कर रहा है। वो कहाँ तक डेटा कर रहा है जी, प्रिडिक्ट इसमें है डेटा, चलो डेटा ही कोई नहीं है, यहाँ से शुरू होता है जी। 1990 से उन्होंने रिकॉर्ड किया, ठीक है, तो वो एक ट्रेंड दिखा रहा है कि 22,000 से फिर यहाँ पे हर साल कितनी हुई, यहाँ से जाते जाते वो कहाँ तक जाता है जी, ये देखें 2020 तक उसका डाटा मौजूद है और आगे 2050 तक अभी डाटा उन्होंने डालना है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो अगले 50 साल है ना, मतलब अगले जो 20 साल बाकी बच रहे हैं, आपने एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं करना क्या है। अगर मैं देखूं ये साल, तो साल देखें हम, कंट्रोल शिफ्ट एल खत्म करता हूं, ये देखें, देखे जी खत्म हो गया सर, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, इसका मतलब 305 कम हुई, इसमें 280 कम होगी, 301 कम होगी, 267 कम होगी पिछले साल से, 232, 220 पिछले साल से कंपैरेटिवली, ये देखे डेथ कम होती जा रही है, नजर आ रहा है जी सर। मतलब ये है कि 1990 में इस एज में जो पाकिस्तान में नॉर्मल डेथ थी, उनमें हमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि हर साल ये डेथ कम हो रही है, ऐसे ही है जी सर। जब ये डेथ कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे डेथ फिर बढ़ गई, बढ़ गई क्या, कहाँ पे बढ़ी है जी, 2003 में बढ़ गई। तो ये आपने जो भी आप पॉसिबल डैशबोर्ड की बात नहीं हो रही, अगर डैशबोर्ड में चले जाएंगे तो आप खुद देख सकेंगे। अब आप लोगों की दौड़ है कि आप इस कंट्री में जाके, कंट्री में जाके कोई इंडिकेटर्स जो है उनका ट्रेंड बनाए, और वो इंडिकेटर जो है ना, अगर आप फर्ज करते डेथ का ले लेते, सिर्फ डेथ लिख लेता हूं, ये डेथ के मुख्तलिफ रेंजेस हैं एज वाइज, डेथ के अलावा कोई और देख लेते हैं, एज है, पॉपुलेशन भी है, पॉपुलेशन दिखा, पॉपुलेशन के ज्यादा है शायद, POPU, हाँ जी, पॉपुलेशन में ये देखे फीमेल है एज से जीरो, तो ये काफी है, ठीक है। अब आपकी एक्चुअल असाइनमेंट लर्निंग क्या होने वाली, ये बिल्कुल रियल लाइफ डाटा है, ये कोई फेक डाटा नहीं है। अब आप जब इसको पाकिस्तान के डाटा सेट को ग्राफिकल व्यू में दिखाएंगे, तो ये डाटा सेट, अब मैं आपको जो असल बात बताने वाला हूँ, जब आप डाटा सेट की पूरी क्लिनजिंग करेंगे, उसकी शक्ल बनाएंगे, शक्ल बनाने के बाद जब आप उसका डैशबोर्ड बनाएंगे, तो आप लोग फ्यूचर में या करंट अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल बनाएंगे ना, उस पूरे डाटा सेट की वो जो प्रेजेंटेशन है, और मूवीज वाले डाटा सेट की प्रेजेंटेशन है, आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है कि ये मैंने बनाया है, ये डैशबोर्ड मैंने बनाया है। मैं स्क्रीन ऑफ स्टॉप कर दूं, डाटा तो नजर आ गया, मैं आपसे शेयर कर दूंगा जी सर, मुझे बंदों के नाम नजर आते हैं ना तो फिर मुझे मजा आता है बात करने। तो फिर आप इस डाटा सेट के थ्रू खुद अपने मुल्क के नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, पहले एक लर्निंग हो जाएगी, फिर डिस्कशन हो जाएगी, और फिर आपके पोर्टफोलियो में डैशबोर्ड आ जाएगा। इसका मतलब है कि 5 लेक्चर्स के बाद आपने एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना लिया है, आपने पावर क्यूरी कर ली है, आपने कुछ डाटा माइनिंग कर ली है, डाटा क्लिनजिंग कर ली है, अब डैशबोर्ड भी बन जाएगा एक। अब दूसरा, बिल्कुल एक ऐसा डाटा सेट जो रियल लाइफ है, इसमें फेक कुछ नहीं, आपको खुद नजर आ जाएगा अपने मुल्क के इंडिकेटर्स देखने में आपको आसानी होगी। और फिर इस सारे स्टेप से आपको होगा क्या, आपकी डेटे को समझने की, उसको माइन करने की, क्लीन करने की, और उसके बाद उसको विजुलाइज करके उसके अंदर से
कोई क्रक्स निकालने की कैपेबिलिटी मजीद पॉलिश हो जाएगी, और पहला लेक्चर जो आपको मैंने दिया था आपको रिवाइज हो जाएगा कि आपने इस पे क्या एक्सरसाइज की। आर यू ऑन इट? यस सर। अब आपको एक समझ आ गई होगी। अब आपको बताता हूँ, आपके टीवी पे जितने तज्जिया निगार बैठे होते हैं और वो आपके मुल्क के बहुत सारे फैक्टर्स बता रहे होते हैं, वो सारे, और अभी पाकिस्तान ना हर 3 महीने बाद स्टेट बैंक ना इकोनॉमिकल एक सर्वे पब्लिश करता है, उसमें बहुत सारे नंबर्स देता है, वो सारे नंबर्स इंडिकेटर्स के भी यहाँ से वर्ल्ड बैंक से उठाते हैं क्योंकि हमने उन पर रिपोर्ट की होती है, उसके ऊपर सारी प्रेजेंटेशन बनती है। सो नाउ आफ्टर लेक्चर 6 यू कैन इंटरेक्ट रियल लाइफ डेटा। और एक और बात बता दूं जरा, मैं स्क्रीन शेयर करके आइंदा के लिए भी, अगर कोई बंदा बहुत ही स्मार्ट निकल आता है, स्क्रीन आ गई जी? यहाँ पे आप जाएं जी, आगे इस पे जाएं, WRLD वर्ल्ड बैंक डेटा लिख, डेटा आप इस पे चले जाएं, डेटा बैंक पे क्लिक करें, आपके पास यहाँ बहुत सारे डेटा सेट्स पड़े हुए, ये पब्लिकेशंस है, ये डेटा पे आप नीचे आना शुरू हो जाए, ये वेब डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये पब्लिक है, आप किसी डेटा सेट को यूज कर सकते हैं, कोई एक्सेल में पड़ा होगा, कोई किसी फॉर्म में पड़ा होगा, ये इतने अन्य वाले डेटा सेट्स हैं। आपने कोई सर्च करना है, फर्ज कर रहे थे, मैंने क्या किया था, पॉपुलेशन, मैंने पॉपुलेशन सर्च किया था, फिर जो मेरे पास निकला था ना, ये एजुकेशन का भी है, एजुकेशन करें, इस पे आप क्लिक करेंगे आगे आ जाएंगे, तो इसको वो कहेगा ये डाटा है, इस डाटा को आपने डाउनलोड करना है, तो आप क्या करेंगे, वो बताएगा जी किधर है ऑप्शन, पब्लिक डाटा सेट है ये, तो ये है एजुकेशन डाउनलोडेबल, इसमें किधर का डाउनलोड एजुकेशन, ये डेटा सेट प्रीव्यू, और दिखा दे मैंने डाउनलोड करना, ये सोर्स पे क्लिक करता पर नहीं, इधर से दिखा दे यार, तो डेटा में जाओ, मैंने यहां से ये डेटा सेट डाउनलोड किया हुआ, मुख्तलिफ जो डेटा सेट अवेलेबल है ना, मैं ढूंढता गया हूँ और आगे जाके मुझे उसकी एक्सेल फाइल, CSV या एक्सेल कुछ भी, ये पॉपुलेशन फाइल, मनीष चंद्रा साहब बोल भाई, ये देखें डेटा बेस अवेलेबल, सिलेक्टेड वन अवेलेबल 85 स्टैटिस्टिक्स। अभी आपको मैंने सिंपल बताया है कि आप इसमें जाएंगे, ये डाउनलोड ऑप्शन, आप CSV नजर आ गई जी, CSV डाउनलोड कर लें, एक्सेल डाउनलोड कर लें, मेटा डाटा डाउनलोड कर लें, जब आप इसको एक्सप्लोर करना शुरू हो गया ना, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए वर्ल्ड पैक पे रियल लाइफ डाटा सेट बहुत सारे मौजूद हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं अब स्क्रीन किधर की मेरी बंद करता हूँ, स्क्रीन किधर से बंद हो, मेरे रूम आ जाए भाई, मेरी स्क्रीन शेयर्ड है आपको मुझे जी, बंद कहाँ से करोगे, तो बंद करने की ऑप्शन नहीं दे रहा, उसका बटन है तभी तो स्टॉप शेयरिंग, उस स्क्रीन उधर पहुंचने नहीं दे रहा, इसको भी बंद करो, स्केप करो, आ गया स्टॉप शेयर जी। जनाब नाउ योर टर्न, 10 मिनट मैंने आपके एक्स्ट्रा ले लिए, हमेशा की तरह मुझे आज के लेक्चर के बारे में जो 8 लोग मौजूद हैं, मतलब बेशक 2-2 मिनट का फीडबैक जरूर दें, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि आप लोग की नॉलेज में इजाफा मेरे टॉप प्रायोरिटी है, तो आई वुड लव टू लिसन दिस, मेरे पास सबसे पहले है जी, सबीन टॉप पे आ रही है जी। मुदस्सर ये जो लेक्चर आज मैंने लिया है इसके ऊपर प्रैक्टिस क्रिटिकली मैंडेटरी है, इसके ऊपर कॉन्सेप्टली क्लियर या ये फीचर्स अवेलेबल हैं
से काम नहीं चलेगा, तो आई विल मेक श्योर कि मैं इस पे काम करके और आपके साथ शेयर करूँ. कॉन्सेप्चुअली डेटा के जो फॉर्मूलाज या स्टेजिंग हमने सीखी है लाइव पढ़ने पे, दे आर वेरी इजी. और जो वी लुकअप और चीजें करने में थोड़ा सा एक वो आता है मसला, उससे बेसलाइन बहुत इजी है और आपको गाइड हर स्टेप पे ऑटो फीचर्स में मिल रही है. सो दैट्स वेरी हेल्पफुल. लेकिन इस पे आज की मेरी टेक ये है कि मुझे इस पे प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज यहाँ पे आके जो मोमेंटम क्लैरिटी और जो मैंने इसको यूज किया है यहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज ये प्रैक्टिकल है, यहाँ से प्रैक्टिकल है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता. और ये मैं 12-14 लेक्चर्स के बाद मैंने पहली दफा फार्मूला लगवाया है, इसलिए कि लोग भाग ना जाएं, तो यहाँ से थोड़ा टेक्निकल होती है, तो मैंने इसलिए फिर आज मैंने कहा सेकंड कोर्स जो है ना उसका एंड मैं थोड़ा सा टेक्निकल करूँगा, क्योंकि इट विल स्टार्ट द एडवांस लेवल. ठीक हो गया जी. जी सर, थैंक यू सो मच. थैंक जी सर. जी सर जी, आपकी क्या राय है? आपने बड़ी मेहनत की है ईयर को सीधा करने में. हाँ जी, ईयर को सीधा करने में बड़ा ही मतलब टाइम लगा, थोड़ी सी एफर्ट भी लगी, लेकिन जब आपने कॉन्सेप्ट बताया तो वो मतलब देखा जाए तो बहुत आसान था और टाइम कंज्यूमिंग नहीं था. तो वो यही है कि नॉलेज में इजाफा हो रहा है विद टाइम. अभी जो सारे फॉर्मूला थे इनमें से एक आध ही यूज किया हुआ था, कभी बाकी नहीं किए हुए थे. इफ का फॉर्मूला यूज किया हुआ था मैंने डेटा सेट में पहले, लेकिन बाकी जो सारी आपने बताए टेक्स्ट टू कॉलम का, खासतौर पर पावर क्वेरी, वो मैंने यूज नहीं किया हुआ था. तो वो यही है कि आपके पहले लेक्चर वाली बात ये है कि प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगी, तो इस ये जो पर्टिकुलर चीज है इस पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. बाकियों पे बेशक हो ना हो पिछले लेक्चर्स में, लेकिन इस पे बहुत जरूरी है. ये सारी चीजों का क्रक्स है ये जो आपने पिछले लेक्चर्स दिए हैं सारे. तो और आप समझ लो कि दिस इज एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट. अंदाजा लगाओ 14 लेक्चर्स के बाद मैंने पहली दफा पहला फार्मूला लगवाया. मैंने आज तक फार्मूला नहीं लगवाया था कि लोग भाग ना जाए. ठीक है, ऐसी ही है सर, जिंदगी आसान हो जाती है. मुझे सर आपकी डीप स्माइल इस वक्त बहुत खतरनाक लग रही है. तहसीन कह रही है जी के उनके माइक में बहुत शोर है, तो चले हम आपका वैसी फर्ज कर लेते हैं कि आप कुछ अच्छी कहना चाहती हैं. जी उमर एंड टीम, यार उमर वीडियो ऑन करके दो, मुझे बंदे दिखाओ और इनका मुझे फीडबैक वीडियो. सर यहाँ पे लाइट गई हुई है सर, और हमारे पास यूपीएस की लाइट भी है. अगर आप कहते हैं तो मैं जरा आपको डराना सा ख्वाब दिखा देता हूँ करके. मतलब मैं इनको बोलते हुए, ये देखे सर हमारी सूरत आलम टॉर्च के अंदर बैठे हुए पंखा चल रहा है यार. ये वैसे कमिटमेंट की इंतहा है, लेवल है वैसे. सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. जी जी, आप कुछ कहना चाहते? मेरा सिंपल अभी यही सवाल होगा कि हमारा इब्तिदा तो है ना कि इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आपने तो वो काम कर लिया. तो हम जब एडवांस में जाएंगे तो उसमें लैंग्वेज लर्निंग वाली साइड भी होगी, पाइथन वगैरह इस किस्म की चीजें. अब चूंकि हम लोगों का ताल्लुक कोई प्रोग्रामिंग साइड से नहीं है, तो ये हमारे ऐसे बंदों के लिए भी उतना ही इजी होगा समझने के लिए. हम देखे दो तरह के लोग हैं ना, एक जो कोडिंग समझ सकते, हम कोडिंग वाली साइड में मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा. जो दुनिया में 80% काम हो रहा है ना वो एक्सेल और पावर क्यूरी. पावर क्यूरी इज एक्चुअली, आप जो मैं पावर क्यूरी सीख रहे हो ना, तो आप समझ जाओ कि आप पावर बी आई सीख रहे हो एक्चुअली. दिस इज पावर बी आई, उसके पावर बी आई की एल्गोरिथम है सारे. तो आपने यहाँ तक सीखना है, कोडिंग उतनी सीखनी है जितनी कि मैं ये कंडीशंस एल्गोरिथम लॉजिक सिखाऊंगा. तो हमने प्रोग्रामर नहीं बनना, बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर. जो बंदा प्रोग्रामर बनना चाहता है ना, फिर हम वो अलहदा से कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें SQL, Python, R language, machine learning, AI, लेकिन that would be the extreme level. वो हो सकता है आप वो ऑडियंस ना हो. अगर आप सीखते गए तो हो सकता है आप वो भी ऑडियंस बन जाए. इसकी बेस तो यही होगी. लेकिन इतनी बात, हाँ बेस यही जो आप ये अभी इसका मतलब हो सकता है इस कोर्स ना को 7वें-8वें लेवल तक मैं चलाऊँ, हो सकता है 20वें लेवल तक जाए. तो जितना एक्सटेंड होता जाएगा ना, तो
मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद आप जितने चीते हो जाते हैं ना, लोग आपके तरले करते हैं ऑफिस में, आपको नहीं पता, मैं नहीं बता सकता। इसमें एक चीज ऐड करूंगी मुदस्सर, बेसिकली अगर आपको डेटा पढ़ना आ जाए ना और आपको रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाए ना, तो आपको क्यूरी चलाना मुश्किल नहीं होता। लाइक जो हमारे बेस फॉर्मूलाज आज हमने किए हैं या जो एक्सटेंडेड पे एक दो चीजें आगे आ रही हैं, वो ऐसी हैं कि अगर डेटा के ऊपर आपने हैंडल की, जो आप हमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं बार बार और जो हम उस तरह से शायद अभी नहीं कर पा रहे, वो चीज प्रैक्टिस से डेटा समझ आ रहा है, तो फिर आपके लिए फॉर्मूला बनाना मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला याद हो और कॉलम्स हो उस पे, तो वो इंटररिलेट नहीं करता और फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मुझसे हो नहीं रहा। तो द बेस लाइन मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट कर रही है इस एक्टिविटी में आपके साथ, वो ये है कि मेरा डेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, एंड दैट इज अ ह्यूज ह्यूज स्टेप, बिकॉज जब आप बैठेंगे तो आप हिट एंड ट्रायल पे बना लेंगे। और आप असल में यहाँ से जब आपकी असल जो सी शुरू होते ना, यहाँ से शुरू होता है कि आप ना भी करें ना, आपके पास जो टीम है आप उसको गाइड करते हैं कि भाई ये बनाना है, ऐसे बनता है, करो। आपको खुद समझ होती है तो फिर आप अगले को बनवा सकते हैं। एक्चुअली व्हाट आई डू, मैं अपनी टीम रखी हुई है, उनको एक दफा ट्रेन कर दिया, उनको नए डेटा सेट देता हूँ, उनको समरी बताता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, जिस तरह मैंने आपको कहा ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, इसमें ये चीज करनी है, एक डैशबोर्ड बना, दिस इज हाउ थिंग स्टार्ट्स हैपनिंग। पीछे टीम आपकी प्रैक्टिस करती है, वो बढ़ती जाती है और आपकी आउटपुट बढ़ती जाती है। सो जरूरी नहीं होता कि आपने हर लेवल पर आपने लेबर ही रहना होता है, जैसे जैसे आपका स्टेप ऊपर जाता जाएगा ना, तो आप ये चीजें दूसरों को दे दें, लेकिन इनिशियली आपको सीखना इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि फिर ये आप में वैल्यू एड करते हैं। ठीक हो गया। जुल्फकार साहब, सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? तो माइक अनम्यूट करते मेरे ख्याल टाइम लगता है। जुल्फकार साहब, रजा साहब का मुझे मैसेज आया हुआ है, वो अपनी शादी पे है, तो उनको मैं वीडियो कहते भेज दूंगा। जुल्फकार साहब आपको आवाज आ रही है? नहीं, मेरा ख्याल उनको यहाँ, फिर वो भी मिस साइमा, आप अपने वर्ड्स। हाँ जी, जब ये स्टार्ट हुआ तो मेरी जो मतलब अगरचे वो सारी चीजें नहीं थी मेरे लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो थ्योरी की हद तक तो क्लियर हुआ, लेकिन वही सभी वाली बात कि जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे और हिट एंड ट्रायल बेसिस पे नहीं करेंगे, मिस्टेक्स कर करके नहीं उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो तब तक पूरी तरह से जो ग्रिप है वो नहीं आएगी। और मुझे ये मतलब आई रिपीट अगेन एंड अगेन कि मुझे ये सबसे ज्यादा करने की जरूरत है। मेरे पास पूरे पाकिस्तान का 2 सेक्टर से डेटा आ रहा है और उसको कैसे संभालना है उसकी मुझे अलग से टेंशन है, और इस चीज को मैंने किस तरह से साथ साथ ग्रिप करना है इसकी मुझे अलग से टेंशन है। चले कोई नहीं, मैं आपकी सपोर्ट के लिए अवेलेबल, तो जहां पे भी आई एम अवेलेबल, लेकिन आप खुद भी सीख लेंगे तो दैट्स गोइंग वेल एंड गुड। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा जी कि मूवीज का भी डैशबोर्ड बनाए नेक्स्ट वीक में, क्योंकि 2 वीक्स है, और वर्ल्ड बैंक वाले डेटा को भी जरूर आप टच करें, क्योंकि इससे आपको एक और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, कुछ जो लोग नहीं है, किसी का इंटरनेट का इशू है, कोई नहीं अवेलेबल है, लेकिन हमारे 15-16 जो बंदे हैं ना, जो सही लर्नर्स हैं, वो हमारे साथ। तो थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्लोज द सेशन और लेट्स मीट आफ्टर ईद। यस सर जी, थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपके शागिर्दों को बहुत कामयाब करे और नहायत लायक स्टूडेंट बनाए। क्योंकि मैं मिस सबीन की बात से बिल्कुल अग्री करता हूं, क्योंकि डाटा पढ़ना असल कमाल है। डाटा पढ़ना असल कमाल है, बिल्कुल। और पता है वो दस्तर, अगर आपको ज्यादा हिचकियां आ रही हो या आपको कोई ऐसे सिम्टम्स हो रहे हो जो हो, तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है। क्योंकि ट्रस्ट मी, आई सेट विद 6 पीपल टुडे, और मैंने वो कहते हैं ना पंजाबी में, उन्होंने रात पा के रखी सी आज में, तो वो वाला काम है। उन्होंने कहा बीबी नु जलाल कितों आया, तेरी बोलती सी कि मैं बेसिक को एक मिनट तल्ला कर लेती होती थी, आज जब मुझे गोलियां करा रहे थे तो मैं गोले फेंक रही थी। So I enjoyed it. So, अगर कुछ आए तो हमें माफी है इस पे। इसका दूसरा एंड फिर ये भी, अगर हमें काम आ गया तो फिर हम गोली तो नहीं कराएंगे। आप वाली बात हो जाएगी, लोग बहुत तरले करेंगे।
लेकिन आपको पता लग जाएगा ना कि आपने क्लिक्स पे काम करना है, कोई इतनी रॉकेट साइंस, लोग आपको गोली कराते हैं, आपको पता होता है। देखो अगर आपको पहले कोई कहता है कि मूवीज के डेटा सेट को ठीक करना है तो आप कहते हो ये तो बहुत बड़ा काम है भाई, इसको तो आज जिस तरह आपने कैटेगरी मैनुअल बनाई थी, अगर आपको 1 लाख व्यूज का डेटा मिल जाता आपको कहते मैं पागल हो जाऊंगा उसको सीधा करते हुए, ऐसे ही बस वो फिल्टर का यूज कर करके फिर मैन्युअली मूव करते रहे। नहीं नहीं वही कह रहा हूँ, अगर आज आप ना सीखते तो आप फ्यूचर में भी ऐसे ही करते हो, बड़े डाटा सेट पे अगर 1 मिलियन रूल आ जाती आप तो पागल हो जाते, आप कहते मेरे पास वर्कलोड ही बहुत ज्यादा है। तो स्मार्ट मोर द नॉलेज मोर द स्मार्ट, तो हम लोगों ने यही सीखना है। तो इंशाल्लाह मुझे भी पढ़ाने में मजा आ रहा है, और मैं पहले मैंने मेरा ख्याल है मिसाइमा हमने 1 महीने का गैप दिया था पहले कोर्स के बाद, 2 महीने तकरीबन 1.5 महीने का पड़ गया था क्योंकि स्टूडेंट्स के पेपर्स हो रहे थे। हाँ तो फिर हम जब तीसरा कोर्स लॉन्च करेंगे तो हम लोग आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करेंगे, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। सर इंशाल्लाह जरूर ज्वाइन करेंगे हम। सर अगले राउंड में ये मैर एंड टीम इज प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट कोर्स एज वेल, टाटा जनाब रजिस्ट्रेशन करा लो साड़ी। ये जो दो शिकरे आपने जो शिकरे का लफ्ज यूज किया ना मुझे बहुत पसंद आया, ये दो शिकरों को मैं खींच रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे तक लेके जाऊंगा। बहुत होनहार बच्चे सर। और अगर अगर देखो अगर ये नहीं सीखेंगे नुकसान इनका है। नहीं नहीं सर इंशाल्लाह ये सीखेंगे अल्लाह के रहमत। चल ओके गुड नाइट सर, हमें इजाजत है, आप सबको इजाजत, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। गांव में याद रखिएगा ताकरा। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।